एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग जानते हैं 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं और 15 जुलाई तक हैं। जी हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट मैं आपके साथ एक सॉलिड उपाय बताने वाली हूँ, जो कि अभी 15 जुलाई तक बहुत टाइम है और अभी उपाय बाकी है। मतलब आप उपाय कर सकते हैं, ये किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 6 जुलाई से स्टार्टिंग के वाले दिन से ही करना है। ये एक छोटा सा उपाय, बस कोई भी एक नवरात्रे कर लीजिएगा, आप विश्वास मानिए, आपकी ना मनोकामना विवाह से लेकर है, धन से रिलेटेड है, कोई भी पुरानी, कोई भी ऐसी जटिल मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, स्टिल आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये उपाय जरूर के जरूर कीजिएगा। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बिलीव में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप सुन के, आप करके, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी आपको कोई रिजल्ट दे सकते हैं। गुप्त नवरात्रे में किया गया उपाय, ये गुप्त तरीके से किया गया उपाय जो है आपको जरूर के रिजल्ट देता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, पर उससे पहले जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको, मेरा आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करने वाली हूं मैं गुप्त नवरात्रे, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस नवरात्र होते हैं। साल में 2 नवरात्रे आते हैं, बट ये 2 बार गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है जितनी हमारे चैत्र के नवरात्रों की होती है। और मतलब जो 2 पुराने हमारे जो नवरात्र होते हैं, जो मेन नवरात्र होते हैं, जो उन नवरात्रों की जो इंपॉर्टेंस होती है, वही इन गुप्त नवरात्रों की भी इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे गुप्त तरीके से उपाय को किया जाता है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, लव मैरिज नहीं हो रही, मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो नवरात्रों के दौरान कभी भी सुबह उठ के नहा धो के आपने क्या करना है, एक लाल कलर का फूल लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा आपने सिंदूर लेना है। ये माता रानी को अर्पण कर आना है, दुर्गा माँ को अर्पण कर आना है, देवी माँ को अर्पण कर आना है और वापस आ जाना है। उनको अपनी मनोकामना जरूर बोली है कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, या मेरी लव मैरिज में कोई ऑब्स्टेकल ना आए, या इस तरीके की कोई भी आप मनोकामना ऐसा बोल कर वहां पर आप आ जाएंगे वापस और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, पीछे मुड़कर नहीं देना, चुपचाप करना है, किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रों वाले दिन जो हम गुप्त पूजा करते हैं या गुप्त बातें करते हैं या गुप्त उपाय करते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके रिजल्ट्स नहीं मिलते। और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एकदम से खत्म हो जाएंगी। चलते हैं सेकंड उपाय की तरफ। सेकंड उपाय बहुत ही पावरफुल है, धन से रिलेटेड। अगर आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा फिटकरी लेना है, काले कपड़े में उसको बांधना है और उसको अपने घर में, गार्डन में या अपने गमले में कहीं पर भी चुपचाप से किसी भी एक दिन दबा देंगे। और आप विश्वास मानिए, पैसों का आगमन शुरू हो जाएगा, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, कर्जे उतरना शुरू हो जाएंगे, लोन्स उतरना शुरू हो जाएंगे, कहीं से भी रुके हुए पैसे होंगे वो वापस आ जाएंगे। इसका दूसरा उपाय ये है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं इसको गाड़ सकते या फिर अपने गार्डन में कहीं पे नहीं इसको दबा सकते, दूसरा है कि आप इसको मेन डोर पे आप टांग दीजिए, 1 साल के लिए टांग दीजिएगा, जब तक नेक्स्ट गुप्त नवरात्रि नहीं आ जाते, यानी कि 1 साल के बाद जो गुप्त नवरात्रि आएंगे उस टाइम पर आप इसको खोल के गंदे पानी या गंदे नाली में डाल देंगे। आपको क्या करना है, मेन दरवाजा जो होता है आपका, मेन डोर होता है, ऊपर अंदर की तरफ आपको टांग देना है। अगर आप नहीं दबा सकते अपने गार्डन में, तो ये सेकंड तरीका है। अगर आप इस दिन करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब कोई भी नवरात्रों वाले दौरान आपको ये उपाय करना है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं तीसरे के उपाय की तरफ। अगर घर में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है या कुछ भी बहुत ज़्यादा है, आप गुप्त नवरात्रों के दौरान चुपचाप ना शाम को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, जितना बार आप कर सकते हैं कर लीजिए, कम से कम 3, 5, 7 बार करिए। अगर नहीं पॉसिबल है, 1 बार पूरे दिन, यानी कि जितने भी नवरात्र हैं उसमें 1 बार भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो 100% आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब इविल आई से रिलेटेड, बैक मैजिक से रिलेटेड, वो सबके सब खत्म हो जाएंगे। और अब चलते हैं एक आखिरी उपाय, जो कि मनोकामना के लिए है, आपकी विश को फुलफिल करने के लिए है। आपकी कैसी भी, कितनी भी पुरानी विश हो और पूरी नहीं हो रही है, एक बार जरूर करके ये उपाय देखिएगा। आपको एक प्लेन पेपर पे लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखनी है, उसके बाद आप कलावा की मदद से उस पेपर को फोल्ड करके उसको बांध देंगे, उसके ऊपर कितनी भी लपेटे मार सकते हैं, 1, 2, 3, 4, आपके ऊपर।
ठीक है। आपने क्या करना है, पहले अपनी विश को लिखा, आपने उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि जैसे हमारी ये विश जल्दी से जल्दी पूरी हो गई है, उसके लिए थैंक यू सो मच माता रानी को। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, माता रानी हमारी इस विश को पूरा कीजिए जल्दी से जल्दी। कोई भी एक या दो विश लिख सकते हैं, लाल पेन से लिखना है, किसी भी तरीके का पेपर हो सकता है, उसको आप रोल कर लीजिए या फोल्ड कर लीजिए, उसके ऊपर लाल धागा बांध लीजिए या कलावा मौली जो भी आप बांधना चाहते हैं लाल कलर का होगा, इस बात का खास ख्याल रखना है। अब आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, माता रानी अगर स्थापित है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप मंदिर में रखिए। और नेक्स्ट डे आपने कहीं भी बाहर जाके इसको पेड़ के नीचे दबा के आ जाना है और भूल जाना है, विश्वास मानिए जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो आपको 40 दिन के अंदर अंदर जरूर मिलेगा। करके देखिएगा और रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।